ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। जनपद सोनपुर के मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के पुरोपुर नहर प्रयागराज रोड पर भाजपा जिला मंत्री के नेतृत्व में कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा व भंडारे का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के जिला मंत्री राज पटेल व वीगपुर के पूर्व प्रधान उपेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में तमाम समाज सेवियों ने प्रयागराज से जल भरकर सुजानगंज गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे कांवड़ियों के ऊपर मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के पुरोपुर नहर प्रयागराज रोड पर पुष्प की वर्षा किया और भंडारे का आयोजन किया गया। कांवड़ियों के मनोरंजन के लिए धार्मिक रंगारंग कार्यक्रम भी किया गया। इस दौरान शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भाजपा जिला मंत्री राज पटेल ने कहा कि श्रवण मास भगवान शिव की आराधना का महीना है। भोलेनाथ के पूजन से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भाजपा सरकार द्वारा भी सभी शिव धामों पर श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा आदि के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। पूर्व प्रधान भीगपुर सुनील सिंह सहित तमाम लोगों ने कहा कि हमें आपस में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए और श्रद्धा से सभी कांवड़ यात्रियों का सेवा भाव और सहयोग करना चाहिए, जिससे आपसी भाईचारे में वृद्धि हो। वहीं पत्रकार सीताराम पटेल ने कहा कि सभी पार्टी समाज और समुदाय के लोगों को आगे आकर ऐसे सेवा भाव करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रम करने से जो तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उससे लोग दूर रहेंगे और आपसी भाईचारा बनाए रखेंगे। संगीत कलाकार डॉक्टर आनंद यादव का गाना बम बम बोल रहा है काशी पर लोगों ने झूमकर तालियां बजाना शुरू कर दिया। संगीत कलाकार गुड़िया पाठक के गाने पर शिव भक्त कांवड़ियों सहित तमाम लोग झूमने लगे। कांवड़ियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुगराबाद शाहपुर से स्वास्थ्य विभाग की टीम उपस्थित थी। फेसेस सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ आशीष पांडे की खास रिपोर्ट। बोल बम का नारा है, भोला ही सहारा है, जिसके तहत मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के आज पुरोपुर नहर पर राज पटेल और पूर्व प्रधान उपेंद्र सिंह के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं। उनके नेतृत्व में कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा होने जा रही है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरीके से ट्रैक्टर में भर करके कांवड़िए आ रहे हैं, जल लेकर के जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर पीछे अगर हम दिखाते हैं तो पीछे तमाम कार्यकर्ता लोग खड़े हुए हैं। राज पटेल और उपेंद्र जी, तमाम हमारे जितने भी कार्यकर्ता भाई हैं, सब खड़े हुए हैं पुष्प लेकर के, क्योंकि कांवड़ियों के ऊपर आप पुष्प वर्षा करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं आप लोगों से, पहले हम दिखाते हैं कि किस तरीके से कांवड़ियों के ऊपर तमाम जो कार्यकर्ता यहां पर खड़े हैं मेन रोड इलाहाबाद रोड पर पूरा पुनहर के पास किस तरीके से पुष्प वर्षा करने जा रहे हैं। तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री राज पटेल और पूर्व प्रधान उपेंद्र सिंह तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा किए। आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री राज पटेल, स्वागत है आपका। अभी आपने कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा किया, कैसे एक बैग आपने मन बना लिया? देखिए, ये सावन का पर्व चल रहा है, कांवड़िया भाई हमारे हिंदू धर्म में हर वर्ष पूरे सावन तक इनका जो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग का फर्ज है कि इनका स्वागत करना और हम लोग हमेशा इनका स्वागत करते रहेंगे। पुरोपुर बाजार में हमारे पूरी टीम, उपेंद्र सिंह प्रधान जी, सुनील भाई, बबलू भाई, नन्हे पांडे, दिलीप मौर्य, पत्रकार सीताराम, देवालाल यादव, बहुत सारे लोगों, हाँ बहुत सारे लोग नाम लेने में, तो सारे लोग को सहयोग से ये बोलबम का भंडारा चल रहा है, कांवड़िया भाई का स्वागत किया जा रहा है। ये भंडारा कितने दिन के लिए चल रहा है? आज सिर्फ आइए की दिन का है, आज के लिए एक दिवसीय है। मुख्यमंत्री जी कांवड़िया का हेलीकॉप्टर से स्वागत कर रहे हैं, तो हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है, हम लोग फूल की वर्षा यहाँ तो कर ही सकते हैं। हम लोग को विचार बना कि हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे कांवड़िया के ऊपर हेलीकॉप्टर से अगर पुष्प वर्षा करते हैं, तो हम लोग इधर से जितने कांवड़िया भाई जा रहे हैं उनको यहाँ पे पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करें। उपेंद्र जी, बड़ी मेहनत आपने किया और कांवड़ियों के ऊपर जो आपने पुष्प वर्षा किया, एक हिंदू की मिसाल कायम आपने किया है। हम लोग जो आप लोगों सहयोग रहा अनवर्तन तेरस से एक दिन पहले, एक दिन तक जब तक जीवित रहेंगे लोग, ये योगदान है होता है। आप तो पत्रकार भी हैं, जिस तरीके से राज पटेल के नेतृत्व में तमाम सुनील भाई, तमाम लोगों के नेतृत्व में किया जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है?
पत्रकार एक समाज को दिशा देता है। हमने उपेंद्र प्रधान और राज पटेल से अनिल सिंह से सबसे बात किया गया कि यहाँ एक कांवरिया भंडारे का आयोजन किया जाए। सब लोग मिलकर यहाँ न जात है न बिरादरी की बात है, यहाँ भक्तों के सम्मान में सनातन धर्म सब लोग सनातन धर्म जो परंपरा चली जा आ रही है, जो आज हमारे नए पीढ़ी के लोग भूल जा रहे हैं, उनको उत्साहित करने के लिए इनका हम स्वागत करें। आने वाले आज कुछ वर्षा हुई, आप भी शामिल हुए हैं और रंग रंग कार्यक्रम भी हो रहा है। हम तो 11 साल से बोल बम और दास दोनों जा रहे थे, कम कम अगर ये बंद कर दिए कम कम बोल बम वालों सेवा करे, यही हमारा बहुत बड़ा धन्य है। जा रहे हैं सबसे पहले आपने कुछ वर्षा किया देख रहा हूँ। मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ और मेरी इच्छा है कनावृत के सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए और हमारे समाज के लिए सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करें। यही मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम तमाम योग्य महान कलाकार अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। बोलबम कावड़ियों के लिए तमाम भक्ति गाने गा रहे हैं। आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका भाई साहब? शुभ नाम? मेरा शुभ नाम डॉक्टर आनंद यादव, मैं बवारा के सचिवी जनपद जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। सभी कांवड़ियों भाइयों को मेरा सादर प्रणाम और कोट कोट धन्यवाद। जितने भी जनता जनार्दन हैं सभी को हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। और यहाँ की जितने भी जत्था जा रही है और प्रसाद लेके ही जा रहे हैं लोग, और बड़ा ही आशीर्वाद, बड़ा ही प्रेम और सौहार्द देखने को मिल रहा है। लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है मैडम, जहाँ भी जाती है। मैंने इसके पहले रायपुर में भी दिखाया था और तमाम जगह कार्यक्रम दिखाया था, जब मैडम मंच पर खड़ी होती हैं और बोल बम कांवड़ियों के लिए जब गाना गाती हैं तो लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। कौन सी जादू छड़ी है मैडम आपके पास? भैया आप सभी को प्रणाम। जितने भी भोलेनाथ के भक्त हैं, मैं गुड़िया पाठक फूलपुर प्रयागराज की धरती से और आज बासापुर जौनपुर पुरौपुर की धरती पे कांवरिया भक्तों का जो ये जो कांवरिया बाबा भोलेनाथ के भक्त जा रहे हैं उसी का प्रोग्राम है और हम सभी आए हैं। और मेरे अंदर कोई जादू नहीं है बड़े भैया, ये सब हमारे जितने भी श्रोता भाई हैं, जितने भी भजन के श्रोता हैं, जो बाबा भक्त बाबा जी के जो भक्त हैं भोलेनाथ के, उनका सिर्फ हृदय का आशीर्वाद जी। ग्राम सभा आपका है, कार्यक्रम बोलबम का चल रहा है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके पूर्व प्रधान ने बड़ी मेहनत किया है उपेंद्र प्रताप सिंह ने, और वर्तमान आप हैं, आप भी काफी मेहनत कर रहे हैं, लगन से आप लगे हुए हैं। बोलबम कांवड़ियों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बोलबम कांवड़ियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। ग्राम प्रधान भीमपुर के बाबा यादव के नाम से मशहूर हैं, आपने कहा जिस तरीके से एक एकता का मिसाल आपने परिचय दिया है, तमाम लोग मिल करके एक साथ जिस तरीके से विशाल भंडारे का प्रोग्राम किया है और इधर रंगारंग कार्यक्रम का प्रोग्राम किया है, और बोल बम जो कांवड़िए हैं, जो भक्त हैं, जो जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए, उनको रोक करके उनके ऊपर पुष्प की वर्षा जो कर रहे हैं, बड़ा ही उत्तम और नेक विचार। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एसएस पांडे, मुगराबाद शाहपुर जौन। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN के कोड ऑफ एथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।